बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब से आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन थंबनेल बनाने हैं अपनी एक ही वीडियो के लिए। साउंड्स इंटरेस्टिंग ना? जितना सुनने में इंटरेस्टिंग है, उतना ही अभी आप आगे इसको डिटेल में जानेंगे तो आपको मजीद इंटरेस्टिंग लगने वाला है। मैं हूँ ज़फ़र कौर, अपने चैनल पे अर्निंग लर्निंग और यूट्यूब के हवाले से वीडियोस अपलोड करती रहती। आपने अब यूट्यूब की एक नई पॉलिसी के तहत एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन थंबनेल बनाने हैं, यानी के एक ही वीडियो के लिए तीन तीन थंबनेल। तो बेसिकली ये फीचर है क्या? ये टेस्ट एंड कंपेयर फीचर है। टेस्ट एंड कंपेयर फीचर का मतलब ये है कि जब आप अपना थंबनेल अपलोड कर देंगे अपनी वीडियो में, तो आपको उस थंबनेल में ही ऑप्शन देगा टेस्ट एंड कंपेयर का, यानी कि आपने इसको टेस्ट करने के लिए तीन थंबनेल बनाने हैं और अब आपको यूट्यूब खुद बताएगा कि आपका कौन सा थंबनेल बिल्कुल बेस्ट है। कुछ घंटों के बाद या 24 घंटे के बाद आपका जो वो थंबनेल होगा जो कि बेस्ट होगा, जिसका CTR बेस्ट होगा, तो वो थंबनेल आपका जो है वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा, यानी कि वही थंबनेल फिर सारे व्यूअर्स आपके देख रहे होंगे। एंड दैट्स द ग्रेट थिंग। हम तो थंबनेल अपने हिसाब से बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि थंबनेल बनाना किस तरीके से है, थंबनेल बेस्ट कैसा होना चाहिए, उसमें क्या फीचर, मतलब उसमें हमने क्या क्या चीजें ऐड करनी है, लिखें तो क्या लिखें, पिक्चर लगाएं तो कौन सी लगाएं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हम अपने हिसाब से कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा CTR क्लिक थ्रू रेट हमारे थंबनेल की वजह से ही आ रहा होता है। तो इसकी अपडेट कुछ यूं है कि 2024 में ये तमाम क्रिएटर्स को ये फैसिलिटी ऑप्शन मिल जाएगा कि वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन थंबनेल बनाएंगे, जिसके बाद उन्हें बताने के लिए यूट्यूब खुद मौजूद होगा। और थंबनेल बनाने के बाद कुछ यूं वो आपको बताएगा कि आपके तीन थंबनेल में से कौन सा थंबनेल है जिसका CTR सबसे ज्यादा हाई है, जो आपको वही थंबनेल आप उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर व्यूअर्स को वही थंबनेल आपका नजर आएगा। एंड दैट्स इट। कितना जबरदस्त आइडिया है ना। जब हमारा थंबनेल अट्रैक्टिव होगा तो फिर लोग उस वीडियो पे क्लिक भी करेंगे, जब क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो को देखेंगे, हमारा कंटेंट उन्हें समझ में आएगा, क्योंकि यूट्यूब अब आपको खुद बताएगा आपका थंबनेल कौन सा बेस्ट है, जो कि जिस थंबनेल पे आपका CTR बहुत अच्छा आ रहा है। तो बस इसीलिए ये यूट्यूब की जो अपडेट है वो मुझे लगता है काफी बेनिफिशियल भी है। लेकिन अगर एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो ये काफी एफर्ट बेस्ड जो है वो इनकी अपडेट है। क्यों? क्योंकि अब आपको एक नहीं, तीन तीन थंबनेल बनाने पड़ेंगे, जिसमें आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा, जिसमें आपको सोचना ज्यादा पड़ेगा कि एक थंबनेल तो हम बनाते ही थे, उसमें हमें इतना टाइम लग जाया करता था कि थंबनेल परफेक्ट होना चाहिए, थंबनेल में लिखें क्या, थंबनेल को डिजाइन किस तरीके से करें। अब आपको तीन तीन थंबनेल बनाने पड़ेंगे, तो उसी हिसाब से आपको अपना टाइम भी उसमें डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि एक ही वीडियो में अब आपको तीन थंबनेल की वजह से ज्यादा टाइम रिक्वायर होगा। ये जो फीचर है ना, ये अभी एक्चुअली बहुत सारे लोगों को मिल चुका है, बहुत सारे क्रिएटर्स इसको यूज कर रहे हैं, इस पे अभी भी टेस्टिंग चल रही है, बट ये 2024 में ऑलमोस्ट सभी क्रिएटर्स को ये ऑप्शन, ये फीचर मिल जाएगा, जिसके बाद आपके पास ये सहूलत होगी कि आप इसको टेस्ट एंड कंपेयर के थ्रू आप ये चीज पता लगा सकते हो कि ये थंबनेल तीनों थंबनेल में से आपका बेस्ट थंबनेल कौन सा है, जो फिर आपकी वीडियो पे फिक्स हो जाएगा, फिर आपकी ऑडियंस को वही थंबनेल जाएगा। वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक थम्स अप बनता है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।